सतना के टाउन हॉल में सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा को स्थापित किए जाने के लिए युवाओं ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि टाउन हॉल प्रांगण में पूर्व में सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा लगाई गई थी, जिसे अराजक तत्वों ने तोड़ दिया। युवाओं ने दोबारा प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। इसके साथ ही युवाओं ने प्रतिमा स्थापित न करने की दशा में आंदोलन की भी चेतावनी दी है। इस संबंध में बताया गया है कि निगम आयुक्त ने युवाओं को आश्वस्त किया है कि सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा मंगाई गई है और जल्द ही प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ज्ञापन सौंपते हुए प्रमुख रूप से योगेश कुशवाहा, अंशुल कुशवाहा, ध्रुव कुमार पटेल, शुभम पटेल, कमलेश कुशवाहा, पुष्पेंद्र वर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। चौराहे से टाउन हॉल प्रांगण में माता सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा लगी थी, जिसे 7 फरवरी 2022 को कुछ शरारती तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया था। इस विषय में हमने नगर निगम को कई बार ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, एसपी महोदय को ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक इस विषय में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए आज हम यहाँ पर धरने के लिए उपस्थित हुए हैं और हमने राजेश शाही, जो कि नगर निगम कमिश्नर, उनको ज्ञापन भी सौंपा है और हमने उनसे यह साफ साफ कहा है कि अगर 3 जनवरी के पहले माता सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा नहीं लगती, जो कि उनका जयंती दिवस है, तो हम उग्र आंदोलन या चक्का जाम के लिए बाध्य होंगे।